हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द एमसीक्यू ऑफ 4th जून 2017। सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 4th जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर विल बी इंस्टॉल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन आर इंडिया, चाइना, रशिया एंड यूएस। सो द करेक्ट आंसर इज चाइना। वर्ल्ड का फास्टेस्ट एलिवेटर इंस्टॉल किया जाएगा चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज द इंडिया रैंक इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस लिस्ट? ऑप्शन आर 39, 43, 45 एंड 47। सो द करेक्ट आंसर इज 45। IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस की लिस्ट में इंडिया की रैंक है 45, और इस लिस्ट में टॉप किया है हांगकांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल बोर्ड्स टू डिसाइड कंप्लेंट्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स? ऑप्शंस आर हरियाणा, यूपी, MP एंड बिहार। सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। मेडिकल नेग्लिजेंस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल बोर्ड्स बनाए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2017-18 अकॉर्डिंग टू HSBC? ऑप्शंस आर 7%, 7.1%, 7.2% एंड 7.4%। सो द करेक्ट आंसर इज 7.1%। HSBC के अकॉर्डिंग 2017-18 में इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिक्स मीडिया फोरम विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, बीजिंग एंड शंघाई। सो द करेक्ट आंसर इज बीजिंग। ब्रिक्स मीडिया फोरम मीट इस साल चाइना के बीजिंग में होगी, और ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का, जिसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इन 5 नेशंस ने मिलकर एक ब्रिक्स बैंक बनाया है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इस ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में, और प्रेसिडेंट है केवी कॉमत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट? ऑप्शन आर बी साई प्रणीत, अजय जयराम, जोनाटन क्रिस्टी एंड सौरभ वर्मा। सो द करेक्ट आंसर इज बी साई प्रणीत। इंडिया के बी साई प्रणीत ने थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, और डिफीट किया है इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड डायल 1100 टू स्टॉप करप्शन? ऑप्शंस आर यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। करप्शन को रोकने के लिए डायल 1100 को हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है आंध्र प्रदेश ने, और आपको ध्यान रखना है कि प्यूलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑल वेदर ट्रैक्ड चेसिस व्हिच इज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम ओडिशा कोस्ट? ऑप्शंस आर QRSAM, QRNAM, QRPAM एंड QRJAM। सो द करेक्ट आंसर इज QRSAM, और QRSAM का फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमजीत मान इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ऑप्शन आर थाईलैंड, चाइना, UK एंड स्लोवेनिया। सो द करेक्ट आंसर इज स्लोवेनिया। परमजीत मान इंडिया के नए एम्बेसडर होंगे स्लोवेनिया में, और आपको ध्यान रखना है कि स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूबलजाना और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवेज विल रेस ₹35,000 करोड़ विद द असिस्टेंस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ सेपरेट फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? ऑप्शन आर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट फंड बनाने के लिए रेलवेज 35,000 करोड़ रुपीज रेस करेगा वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द UEFA चैंपियन लीग टाइटल? ऑप्शन आर मिलान, रियल मैड्रिड, जुवेंटस एंड लिवरपूल। सो द करेक्ट आंसर इज रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने जीता है फुटबॉल का UEFA चैंपियंस लीग टाइटल, और डिफीट किया है जुवेंटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which metro has tied up with Google to display its services in Google Maps application? Options are Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. So the correct answer is Mumbai. Mumbai Metro ने Google Maps application में services को display करने के लिए Google के साथ tie up किया है. Next question is Manika Batra and Mohammad Das are related to which sport? Options are cricket, hockey, table tennis and shooting. So the correct answer is table tennis. Manika Batra और Mohammad Das की जोड़ी World Table Tennis Championship में quarter finals तक पहुंचने वाली first Indian double pair बनी है. Next question is National Skill Development Corporation has tied up with which academy to skill unemployed youth in aviation sector? Options are AJ Aviation Academy, Hindustan Aviation Academy, GMR Aviation Academy and Bird Academy. So the correct answer is Bird Academy. Aviation sector में unemployed youth को skill training provide करने के लिए National Skill Development Corporation ने Bird Academy के साथ tie up किया है. Next question is Recently which country has scrapped 334 years old blasphemy law? Options are US, Denmark, Indonesia and Japan. So the correct answer is Denmark. हाल ही में Denmark ने 334 years old blasphemy law को abolish किया है. और आपको ध्यान रखना है कि डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनगेन और करेंसी है क्रोन. कल के वीडियो में हमने देखा था कि कोट दे आइवेरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया था. तो आपको ध्यान रखना है कि कोट दे आइवेरी के साथ साथ गिनी, कुवैत, पोलैंड एंड पेरू को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है. और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पुअर किड्स का 31% इंडिया में है. और आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है केरोसिन सब्सिडी के लिए और अटल पेंशन योजना के बेनिफिट्स के लिए. और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इज अ पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय. ऑप्शंस आर आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनपीसीआई एंड बीबीपीएस. सो द करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई. आपको ध्यान रखना है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को डेवलप किया है एनपीसीआई ने. और NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ऑप्शंस आर असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एंड त्रिपुरा. सो द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा. आपको ध्यान रखना है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा के सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है. और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है. Which shortcut key is used to open downloads history in browser? Options are Ctrl plus H, Ctrl plus K, Ctrl plus M and Ctrl plus J. So the correct answer is Ctrl plus J. आपको ध्यान रखना है कि ब्राउजर में डाउनलोड हिस्ट्री को ओपन करने के लिए Ctrl plus J शॉर्टकट की यूज की जाती है. So that's it for today friends. Please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. Thank you, friends.